गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कलका के भाग दो पढ़ाने जा रहा हूं। आपको मैंने कल डाकिया चिट्ठी लाया पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को नया सवेरा लाएंगे पढ़ाएंगे। नया सवेरा लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे। और इसको पढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, शान, सवेरा, मेहनत, संतान, आराम, उजरा, मुस्लिम, श्रम। इस कविता को आप चार चार लाइन प्रतिदिन याद करेंगे। इसे मैं आज पढ़ाता हूं। हम भारत मां के बेटे हैं, हम भारत मां के बेटे हैं, मां की शान बढ़ाएंगे। पहले मैं आपको शब्दार्थ बता दूं। बेटे माने पुत्र, निर्धन माने गरीब, संतान माने औलाद, सदा माने हमेशा, श्रम मेहनत। हम भारत मां के बेटे हैं, मां की शान बढ़ाएंगे। कुछ बच्चे गा रहे हैं, हम भारत मां के बेटे हैं, मां की शान बढ़ाएंगे। इस धरती पर नया सवेरा मेहनत करके लाए। कुछ बच्चे गा रहे हैं कि हम भारत मां के पुत्र हैं और मैं अपने देश की शान को बढ़ाएंगे। हम अपने देश की शान शौकत को, हम ख्याति को, प्रसिद्धि को हम और बढ़ाएंगे। इस धरती पर नया सवेरा मेहनत करके लाएंगे। हम अपनी मेहनत से इस धरती पर एक नया सवेरा लेकर के आएंगे। धनी और निर्धन, हम सब ही भारत की संतान हैं। इस देश के गरीब और अमीर सभी लोग भारत के ही संतान हैं, भारत माता के ही संतान हैं। कोई बड़ा ना छोटा, कोई यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब एक समान हैं। इस देश में जन्मे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब एक हैं। चाहे वो धनी हो या गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सब कोई एक समान है। देश सदा ऊंचा उठता है, देश हमेशा ही ऊंचा उठता है। मेलजोल से काम से हम सब आपस में मेलजोल, आपस में प्रेम भाव करके, प्रेम भाव बढ़ा करके हम अपने काम से देश सदा उजरा करता है, देश सदा उजरा करता है झगड़े से, आराम से। और देश सदा हमेशा, ये लोग जानते हैं कि झगड़े से केवल आराम करने से देश उजड़ जाता है। देश कब ऊंचा उठता है? जब हम आपस में मिलजुल, आपस में सौहार्द की भावना हो, आपस में सहिष्णुता की भावना हो, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का हम साथ दे, तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। और
वह देश उजड़ जाता है जिस देश में आपस में लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता असहिष्णुता की भावना होती है, वहां पर ही जहां के लोग आलसी होते हैं, निकम्मा होते हैं, उस देश में वह देश उजड़ जाता है, वह देश विनाश की गर्त में चला जाता है, वह देश दिन प्रतिदिन घटता ही जाता है। आओ आलस दूर भगाएं, हम सब मिल करके हम में जो आलस आ गया है उसे हम दूर भगाएं, आलस को दूर भगा करके श्रम करने की ठान ले और मेहनत करने की हम निश्चय कर ले, हम मेहनत करने का निश्चय कर ले, हम मेहनत करने का इरादा कर ले, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई मान ले और हम इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को हम अपना भाई मान ले, तो यह देश में हम एक नया सवेरा लेकर के आएंगे। हम आलस को दूर भगा करके मेहनत करके मेहनत करने को ठान ले और हम यहाँ के भारत की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को भाई मान ले, तो इस देश में एक नया सवेरा हम लेकर के आएंगे। इस देश को हम उन्नतिशील विकासशील प्रगतिशील देश बनाएंगे, हम इस देश में एक नया सवेरा नया युग लेकर के हम आएंगे। आप लोग भी इसे कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे और अपने घर के बड़े सदस्यों को ये सुनाएंगे प्रतिदिन चार चार लाइन, और प्रतिदिन सुनाने के बाद चार चार लाइन लिख करके अपने घर के बड़े सदस्यों को दिखाएंगे और इसमें इसे याद करेंगे और इसके जो दिए हुए अभ्यास कार्ड इसे आप बनाएंगे, कल मैं इसको सोल्व करूंगा। धन्यवाद।